हाँ जी सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। नारायण को किसका नशा होगा है? शराबियों को किसका नशा होता है? शराब का नशा होता है। और नारायण को क्या मिलता है जो नशा चढ़ जाता है विश्व की बादशाही का? हम बच्चों को भी अव्यक्त बाप दादा ने बताया, किसका आवाहन करो है? विजयमाला का आवाहन करो। इसका मतलब जो नारायणी नशा चढ़ना चाहिए वो तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक नारायणी मौजूद नहीं होगी। ये प्योरिटी का नशा है, वो होता है शराब का नशा, इम्प्योरिटी को खींचती है, सब प्रकार के विकारों को विकार शराब खींचती है। तो एक है इम्प्योरिटी का नशा और एक है प्योरिटी का नशा। और ज्ञान से नशा चढ़ता है, फिर रिजल्ट कितना निकला? कुछ रिजल्ट निकला? परिवर्तन हुआ कि परिवर्तन शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति का आवाहन किए बगैर परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? तो परिवर्तन किससे होता है? प्योरिटी से ही परिवर्तन होता है। अगर प्योरिटी नहीं है तो परिवर्तन भी नहीं हो सकता। और दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से ही होते हैं। अपवित्रता से हार और पवित्रता से जीत। इसलिए बोला है बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। क्या कारण हुआ बड़े बड़े सन्यासियों में? उनमें कौन सी विशेषता है? है? वही प्योरिटी की विशेषता। प्योरिटी के आधार पर उन्होंने भारत को थमाया भी था। उनकी है निवृत्ति मार्ग की पवित्रता और हमारी है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। पवित्रता निवृत्ति में रहकर पवित्रता, निवृत्ति का पवित्रता। हाँ, निवृत्ति में रहकर, निवृत्ति में रहकर पवित्रता दूरबाज खुशबाज वाली होती है। होती तो पवित्रता ही है। कैसे भी उन्होंने पवित्रता धारण की लेकिन पवित्रता के प्रति प्यार तो है। और प्रवृत्ति की पवित्रता में ताकत है। प्रवृत्ति की पवित्रता में स्वर्ग स्थापन करने की ताकत है। निवृत्ति की पवित्रता झूठी पवित्रता है, इसलिए नरक का नरक ही बना रहता है, स्वर्ग नहीं बन सकता।
वृत्ति की पवित्रता में इतनी जरूर ताकत है कि बड़े बड़े राजाएं भी आकर के उनके पांव पड़ते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उन निवृत्ति मार्ग के सन्यासियों के पांव पड़ते हैं, फिर भी कोई स्वर्ग नहीं बन जाता है, रहता नरक का नरक ही है। कुमारों की पवित्रता के बारे में, कुमारों की पवित्रता के बारे में, वो तो सन्यासियों की पवित्रता जैसी है वैसी कुमारों की भी पवित्रता है। कुमारों को तो सबको, कुमारों को भी ले लिया, अधर कुमारों को भी ले लिया, सब पुरुष मात्र को ले लिया, कह दिया है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो पवित्र है क्या? उनको पवित्र कहेंगे? अष्टावक्र का आठ जगह से वक्र माने टेढ़ा, आठ जगह से टेढ़ा। वास्तव में जो कृष्ण वाली आत्मा है वो ही कलयुग के अंत में आकर के अष्टावक्र बन जाती है, जिसको शास्त्रों में आठ पटरानियां दिखाई है। पटरानियां जो पट में गिरती हैं, ऐसी पटरानियों के संग के रंग में आकर के आठ जगह से उसके अंग टूट जाते हैं, हड्ड गुड्ड टूट जाती है, तो नाम पड़ा है अष्टावक्र, आठ जगह से टेढ़ा। वैसे एक नाम त्रिभंगी लाल भी है, तीन जगह से टेढ़ा, क्योंकि उन आठ पटरानियों में तीन पटरानियां मुख्य हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी और जमवंती। ये तीन पटरानियां तीन जगह से तोड़ती हैं, बंसी बजा के जब खड़ा हुआ है पांव से तो कहां कहां से टेढ़ा दिखाया जाता है, गर्दन से टेढ़ा, कमर से टेढ़ा और पांव में टेढ़ा। तीनों जगह से तोड़ फोड़ हो जाती है। और जो पांच बच्चे हुए उसके बारे में पूछे, आठ पटरानी आठ धर्म से कनेक्टेड। राधा को पटरानी नहीं कहते हैं, वो पट में नहीं गिरती है, हाँ, उसमें प्योरिटी भरी हुई है। जो एक बाप को छोड़ करके औरों का अधीन हो जाती है वो फिर पट्ट में गिरती है। बाबा ने तीन कल्प कहते हैं ना, कल्प कल्प कल्प, वो तीनों कल्प ये हंड्रेड इयर्स में माना संगम युग की सौ साल में कितने साल से कितने साल तक है? मैं कल्प पहले मुआफिक कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कल्प पहले मुआफिक माना शूटिंग पीरियड में कौन सा वर्ष है जब बाप प्रत्यक्ष होता है?
76, इसका मतलब सन 76 तक सतयुग के देवतावन की शूटिंग पूरी हो जाती है। इसलिए बोला कल्प पहले मुआफिक, एक कल्प पूरा हुआ, फिर त्रेता युगी कल्प, चार अवस्थाएं उसमें भी पूरी होती हैं, फिर द्वापर युगी कल्प, उसमें भी चार अवस्थाएं पूरी होती हैं, फिर कलयुगी कल्प, उसमें भी चार अवस्थाएं पूरी होती, तो चार कल्प हो गए। उन्होंने शास्त्रों में गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे कि मैं हर युग में आता हूं, वास्तव में हर युग में नहीं आता हूं, हर युग की जो चार अवस्थाओं की शूटिंग होती है वो शूटिंग पीरियड में कल्प बन जाता है। हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाओं को प्रसार होने की प्रवृत्ति को कल्प कहा जाता है। इसलिए बोला कल्प पहले मुआफिक, कल्प 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 के संगम युग आता हूं। सतयुगी कल्प पूरा होता है, सतयुगी शूटिंग पूरी होती है तो सन 76 में प्रत्यक्ष होता है, त्रेतायुगी शूटिंग पूरी होती है तो सन 87-88 में प्रत्यक्ष होता है, द्वापर युगी शूटिंग पूरी होती है तो कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होता है, फिर कलयुग की शूटिंग पूरी होती है तो कलंकी अवतार। और परा माने परे, अपरा माने जो परे नहीं है, इधर ही है। परे की प्रकृति वो है, प्रकृति माने स्वभाव संस्कार जो आत्मा से कनेक्टेड है, अपरा माने इसी सृष्टि से संबंधित है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। और स्वर्ग है जहाँ स्वस्थिति में गए वो है स्वर्ग, और बैकुंठ जो नाम आया है शास्त्रों में, अथवा पैराडाइज जो नाम आया है बाइबल में, अथवा जन्नत जो नाम आया है कुरान में, वो संगम युग की स्वर्ग की बात है। बैकुंठ है संगम युग में, क्योंकि बैकुंठ वासी विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु संगम युग में होता है या सतयुग में होता है, संगम में होता है। और उसका कारण यह है कि गणेश का जो चित्र बनाते हैं तो सूंड इधर निकली हुई है, हाथ इधर जा रहे हैं, पांव इधर जा रहे हैं, तो चार हिस्से हो गए। बेहद यही अर्थ है कि चार अवस्थाओं से पसार होती है आत्मा। ये चार अवस्थाएं हो गई ना, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। और अवस्थी
जी कला से काम आता है बाबा, माना मकड़ी काला माना सांप, अस्सी माना क्या मकड़ी, और दो जानवरों के नाम से श्री कला श्री श्री माने मकड़ी नहीं होता है बाबा, कुरान में है बाबा, कुरान में होगा, कुरान मुसलमानों का शास्त्र है, कुरान कुरान बाबा, कुरान में है, हाँ काला कुरान है ना, श्री कला श्री महाराज, काला पुराण किसने लिखा, किसने लिखा, गुरु ने लिखा, तो गुरु ने झूठा लिखा सच्चा लिखा, श्री शब्द इतना श्रेष्ठ है और उसको मकड़ी बता दिया, कोई हिसाब है बाबा, एक कुरान में तीन जानवरों का परमेश्वर से मुक्ति देते हैं, मकड़ी और सांप और आज दो तीन है जानवर मुक्ति, मकड़ी सर्प और मकड़ी, मकड़ी तीन माना मकड़ी, काला माना सांप और हाथी माना हाथी, तीन जानवरों को परमेश्वर से मुक्ति देते हैं, वायलिंगेश्वर का वायलिंगेश्वर श्री वो नाम आता है श्री काला, तीन जानवरों के नाम से श्री काला श्री का नाम आता है, हस्ती कहते हैं, तुम्हारी क्या हस्ती है, पर्सनालिटी तुम्हारी क्या है, उसको कहते हैं हस्ती, काल, काल माने दुनिया में जो सबको खाता है, जो भी इस दुनिया में आया कोई ऐसा नहीं है जिसको काल खाता ना हो, उसको कहा जाता है काल, और श्री काल, श्री काल माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काल, ऐसे तो रोज ही मनुष्यों को काल खाता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि सारी दुनिया को काल खा जाता है, वो काल कौन सा है, वो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काल, जिसे कहते हैं काल काल महाकाल, वो श्री काल हस्ती का अर्थ है, बाकी तो तुंडे तुंडे मैत्री भिन्ना, जिसने जो आया वैसा लिख दिया, श्री शब्द में हिंदी में जब बनाते हैं तो एक गुंडी इधर जाती है, एक गुंडी इधर जाती है, एक गुंडी नीचे जाती है, एक हच्चा ऊपर जाता है, तो जैसे मकड़ी की टांगे है ना, इधर उधर चारों ओर फैल जाती है, इसलिए उन्होंने कल्पना कर ली कि श्री शब्द मकड़ी के तुल्य है, लेकिन ऐसे थोड़े ही है, और है क्या मना भी जो तिरुपति भगवान ब्रह्मोत्सव हाँ भगवान से पूछते हैं कि मेरे पति नहीं है, मेरे पूजा नहीं होती है, तो लोग मुझे कैसे जाने, तो ये बाबा ने उनको परमिशन दिया क्या, तो ये ब्रह्मोत्सव मना दो फूलों में जाकर के, हाँ तो ये क्या सच है, और क्या, जहाँ खुशी रोज नहीं मिलती है तो एक दिन की खुशी मना लो, इसलिए दिवाली की खुशी साल में एक बार मनाई जाती है, होली की खुशी साल में एक बार मना लो, जो भी उत्साह जो भी त्योहार हैं वो साल में एक बार मनाए लिए जाते हैं, स्वर्ग में तो सदैव ही खुशी खुशी है, इसलिए वहाँ अलग से खुशी मनाने की बात नहीं है, स्वर्ग बनता है किसके द्वारा, स्वयं स्थिति वाले के द्वारा, और नरक बनता है, नरक बनता है नर के द्वारा, नर होता है विकारी, तीन देवताओं में विकारी देवता कौन सा दिखाया है, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा को, तो वहां रोज उत्सव कैसे होगा, रोज खुशियां कैसे होंगी, इसलिए खुशी मनाने के लिए कोई खास दिन निश्चित कर लो, ब्रह्मोत्सव हो गया, चलो तुम्हारा भी उत्सव हो गया, ब्रह्मोत्सव दो बार मनाया जाता है, चार वर्ष के अंतर में, हर चार वर्ष के अंदर दो बार ब्रह्मोत्सव मनाते हैं, उसका मतलब है चार युग हैं, और चारों युगों में
दो बार पतन होता है, ब्रह्मा से ही पतन होता है सृष्टि का। ब्रह्मा ऐसे है जैसे रावण, गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो गुरु क्या बनाते हैं? नरक बनाते हैं। इसलिए दो बार बड़े बड़े नरक बनते हैं, एक तो विनाश होता है अर्ध विनाश द्वापर युग से, तो नरक की शुरुआत हो गई, और फिर बड़ा नरक तब देखने में आता है जब बड़ा विनाश होता है। रव रव नरक, दुनिया में दुखों के पहाड़ गिरते हैं, जहां देखो वहां दुख ही दुख, सुख का नाम निशान किसी की जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। और प्रश्न आया है, महाकाली पार्ट कब शुरू होगा? महाकाली का पार्ट क्या है? महाकाली का पार्ट में क्या है, क्या करती है? विनाश करती है। तो विनाश और स्थापना साथ साथ होती है या आगे पीछे होती है? साथ साथ होती है। महागौरी का आगमन होगा तो महाकाली का भी आगमन हो जाएगा। जब तुम बच्चे संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा। मैं विनाश नहीं करता हूं, शंकर भी विनाश नहीं करता है। विनाश के निमित्त शक्तियां गाई हुई हैं, तो दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, क्या महागौरी और महाकाली, दोनों का साथ साथ पाठ प्रत्यक्ष होता है। महागौरी का आवाहन करने के लिए बोला, महाकाली का आवाहन करने के लिए नहीं बोला। कोई मौत का आवाहन करता है क्या? करता है नहीं। हाँ, गुस्से में आते हैं, कहते हैं हे भगवान हमारी मौत आ जाए, बाकी तो आवाहन कोई नहीं करता। और दोबारा जन्म हुआ है। आवाजी क्या होता है? दोबारा जन्म में दोबारा जन्म होता है ना, हो जाएंगे दोबारा बच्चा बनेगा। माइनर प्रिंस में जन्म होता है, ये लोग भी दोबारा जन्म लेंगे तो फोन कैसे लेंगे? कुछ कैसे देंगे? उसमें क्या लिखा? अवयवाद। समझ में नहीं आता, जिसके कागज आया उसी को दे दो। जबरदस्त हिंदी को लिखता है।
मार्ग में जितनी भी बातें चलती हैं, वो मनमत से घड़ी हुई बातें हैं कि उनका अर्थ ज्ञान मार्ग में निकालना जरूरी है? फिर शास्त्रों की बात बताओ, शास्त्रों में ऐसी कोई बात आई है? 12 वर्ष की कोई बात आई है? आई है 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। 12 वर्ष का पांडवों को वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, 14 वर्ष का राम को वनवास हुआ, ऐसी बात आई है। और गांधी जी के मन में भारत में राम राज्य आने का बहुत इच्छा थी। अब उस आत्मा यहाँ किस यज्ञ में रहती तो किस धर्म में रहेगी? किस धर्म में रहेगी? गांधी जी को ज्ञान में किस पार्टीधारी के द्वारा टैली किया गया है? ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा कौन से धर्म में है? चंद्रवंशी। तो गांधी भी चंद्रवंशी हुए। कौरव राज्य आखिरी चंद्रवंश का जो आखिरी सूत्र है, 12 राज्य चलते हैं चंद्रवंश में। त्रेता में कितनी राजाइयां चली? 12 राजाइयां। उन 12 राजाइयों में से जो अंतिम राजाई है वो है आर्य समाजियों की। कौरव कांग्रेस का मुखिया कौन हुआ? गांधी जी। और है बकुला, हाँ बकुला देवी, बकुला देवी ने नारायण को पाला। हाँ बकुला देवी ने। महाकाली कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में पहले राज्य किसका चलेगा? किसके राज्य के अंडर में रहना पड़ेगा सभी ब्राह्मणों को? जगदम्बा के राज्य में रहना पड़ेगा, पहले उसके दर्शन करो, फिर बाद में भगवान के दर्शन होंगे। अमेरिका में नहीं है, लंदन में है। हाँ, हाँ। चलो चलो संभाल लो, लंदन में कोहिनूर हीरा है। जगन्नाथ मंदिर में रखा है, इसका अर्थ क्या है? ऐसा टीवी में दिखाया है, इसका अर्थ क्या है? जगन्नाथ मंदिर में कहाँ रखा है? ऐसा टीवी में दिखाया है, लेने वाला है। रखेंगे, वो भविष्य की बात बताई, अभी की बात नहीं है। अभी तो वो लंदन में रखा हुआ है म्यूजियम में। हाँ जी, इसका अर्थ ये है कि अगर वो कोहिनूर हीरा आएगा तो जगन्नाथ मंदिर में ही आएगा। जगन्नाथ मंदिर बेहद का कौन सा है? है। और
हाँ देवराज इंद्र को देवताओं का राजा दिखाया गया है, लेकिन बाबा उसको इतना डरपोक क्यों दिखाया है? जब भी कोई मनुष्य ब्रह्मा विष्णु या शंकर की तपस्या करता है तो वो पहले से ही सोच लेता है कि कहीं हमारा स्वर्ग ना छीन ले। कहीं ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी हमारे स्वंगासन हमारे स्वर्ग का सिंहासन न उसे दे दे, कहीं हमारे स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले, तो बाबा उसको इतना डरपोक क्यों दिखाया है? शास्त्रों में जो स्वर्ग का राजा दिखाया गया है वो कहां की बात है? अच्छा, सभी देवताओं में मुखिया देवता कौन है? वो तो संगम युग की बात हो गई। नारायण भी दो हैं, यहाँ स्वर्ग की बात हो रही है, स्वर्ग का देवता। स्वर्ग में राजा कौन दिखा है, मुख्य आत्मा कौन है? हैं? अब देवेंद्र कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? देवताओं का मुखिया कौन है? अरे और जब सतयुग शुरू होता है तो पहला पत्ता कौन है? वो इंद्र है। ब्रह्मा बाबा कभी लड़ाई झगड़ा पसंद करते थे? सिंध हैदराबाद में जब झगड़ा शुरू हुआ तो कहां भाग गए थे? कराची में अकेले बंगले में जाके दुबक के बैठ गए। यहाँ भी एडवांस पार्टी में जब 98 में झगड़ा शुरू हुआ बीके और पीबीके के बीच में, तो ब्रह्मा जी महाराज कहाँ चले गए? दिखाई पड़े हैं? दिखाई पड़े कौन ब्रह्मा जी हैं? जगदम्बा। वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, वो ब्रह्मा की सोल ही जगदम्बा में प्रवेश करती है। आगे चल करके जो भी ब्राह्मण परिवार का बड़ा रूप सामने आएगा उसको कंट्रोल कौन करेगा? है? जगदम्बा कंट्रोल करेगी। उसी का गायन हो गया है शास्त्रों में। जगदम्बा के पास जाना चाहिए, नारायण जो कमाई करते हैं जगदम्बा के पास तब जाना चाहिए जब जगदम्बा अंत तक साथ निभाए। करती है? अभी तो नहीं करती, जिस समय का गायन है उस समय की बात की जाए। जिस समय नई दुनिया का फाउंडेशन डाला गया उस समय जगदम्बा तो दिखाई नहीं पड़ती। नई दुनिया का फाउंडेशन जब पड़ा तो उस समय जगदम्बा निमित्त नहीं बनती है। कौन निमित्त बनता है? काशी नगरी निमित्त बनती है,
कुबेर, जिसे कुबेर नाम दिया गया है, इसलिए तिरुपति में गायन है कि तिरुपति जी महाराज जितनी कमाई करते हैं वो सारी कहाँ चली जाती है, हैं? कुबेर के पास उधार में चली जाती है, हैं? वो तो उधार में जाना है। हाँ। जब उधार खत्म हो जाएगा तो वो तो गुप्त हो जाएगा, उसने थोड़े ही कमाया, जो गुप्त है उसकी कमाई थोड़े ही कही जाएगी, जो है ही नहीं उसकी कमाई थोड़े ही है, जो है उसकी कमाई है, हैं? क्या कंट्रोल करेंगे? राज करेगा खालसा, दूसरा कौन राज करेगा? अरे ब्रह्मा कुमारियों का बीज कौन है? ब्रह्मा कुमारियों का बीज कौन, कोई है या नहीं? चंद्रवंशियों का बीज कौन है? जगदम्बा। तो जो बीज है उसमें ज्यादा ताकत है, ज्यादा ताकत है उसने जरूर कभी ताकत भरी होगी जगत पिता से, तो जिसने ज्यादा ताकत भरी है वो ज्यादा राज्य भी करेगा। जैसे अभी बीके में ब्रह्मा कुमारियों ने राज्य किया, वो तो छोटा मोटा राज्य है, आगे चल करके तो ये संस्था सारी दुनिया में फैलेगी, तुम्हारी लाखों की तादाद में संस्थाएं हो जाएंगी, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, तब कौन कंट्रोल करेगा? जो ज्ञानी तो आत्मा होगी वो कंट्रोल करेगी, या जिसकी बुद्धि में इतना ज्ञानी नहीं होगा वो कंट्रोल करेगा? जो ज्ञानी होगा वो ही कंट्रोल करेगा। और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है, ब्रह्मा सो ही तो विष्णु बनता है, और विष्णु में चारों भुजाओं को चलाने वाला कौन है? अरे वो चारों भुजाएं वो जड़ हैं कि चैतन्य है? हैं तो चैतन्य आत्मा है, लेकिन जड़त्व में ही बुद्धि वाली हैं, उनकी अपनी अकल नहीं चलती है, चलाने वाला कोई और है जिसमें शिव प्रवेश करता है, तो वो है उनको चलाने वाला चारों भुजाओं को, इसलिए रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। और किसको? तिरुपति को। हाँ जी, हाँ। वैसे भी देखा जाए तो भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे जास्ती आमदनी कौन से मंदिर की होती है? तिरुपति की तो होती है, ढेर सारे लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, इतनी आमदनी तो कहीं नहीं होती। और अब सही पता तो लगाओ कहाँ जाता है, हुजूर ऑफिस कह देने से थोड़ा ही कुछ पक्का पता चल रहा है, हैं? अरे कहाँ है वो, कोई नाम पता है, हैं? उससे काम क्या होता है, हैं? सारा काम उसी से चलता है, सारा इंडिया का राज्य चलता है क्या उससे? अंधों के प्रदेश का राज्य चलता है? माने यहाँ जो एजुकेशन चलता है इससे ज्यादा एजुकेशन दुनिया में कहीं नहीं है।
क्योंकि हॉस्पिटल के हॉस्पिटल बनने चलने का वो इंस्टीट्यूशन चलने का सारा खर्चा इधर भी होता है, हो रही है ना, हो रही है ना। बाबा मुरली में बोलते हैं ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, तो ये बात सबके लिए लागू होती है क्या? क्यों, कलयुग के अंत में सब तमो प्रधान नहीं बनते हैं तो सबके लिए लागू होगा? कोई बचता है विनाश होने से? कोई आत्मा ऐसी बचेगी जिसका पद नीचे ना हो जाए, या जो कन्वर्ट होकर के नीचे न गिरे, माया जिसको नीचे न गिराए? माया सबको नीचे गिराती है, तो सभी के लिए लागू होता है। मार्ग गंगा को भी आठ पुत्र दिखाते हैं और देवकी को भी आठ पुत्र दिखाते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसे बहुत सी जगह टैली किया हुआ है, सनातन धर्म को ही बहुतों ने टैली किया हुआ है। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाई दिए, तो सनातन धर्म में शास्त्रों में भी 24 भगवान के अवतार दिखाए हुए। जैसे कृष्ण के 8 भाई दिखाए हुए हैं जो कंस ने मार लिए थे, ऐसे ही सन्यास धर्म वालों ने भी फॉलो कर लिया और शास्त्रों में दिखा दिया कि 7 बच्चे पहले पैदा हुए गंगा से जो चल बसे। एक भीष्म पितामह ही 8वां पुत्र बचा। जैसे किशन्स ने कृष्ण को फॉलो कर लिया है, कृष्ण के पांव में कांटा लगा तो क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ाया हुआ है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कृष्ण वाली आत्मा दिखावे का काम करती है, ज्ञान का भी दिखावा, योग का भी दिखावा, सेवा का भी दिखावा, ऐसे ही क्रिश्चियंस भी दिखावे का काम करते हैं। सारी पोप लीला चलती है, सच्चाई कुछ भी नहीं। तो ऐसे बहुत जगह हुआ है कि फॉलो किया है उन्होंने सनातन धर्म को, ऐसे सन्यासियों ने फॉलो करके ये दिखाया हुआ है कि गंगा को 8 पुत्र हुए। जैसे सत्युग में 8 नारायण होंगे, सात नारायण तो माया उनको हप लेती है, कंस उन्हें कोस लेता है, 8वां पुत्र जो कृष्ण है उसको माया हप नहीं कर पाती, वो बच जाता है माया के चुंगल में फंसने से। यमुना नदी को क्रॉस करके बाहर चला जाता है। यमुना नदी काली नदी है, तो ऐसे ही भीष्म पितामह को दिखाया है कि 8
पुत्रों में भीष्म पितामह है आठवां और सात जो है वो सात नारायणों की तरह दिखा दिए हैं। जैसे अपने शास्त्रों में सप्त ऋषि दिखाए हैं ऐसे ही बाबा यहाँ तिरुपति में नारायण को काला दिखाया जाता है। अरे सिर्फ तिरुपति में थोड़े ही काला दिखाया जाता है, श्रीनाथ में जगन्नाथ में जहाँ कहीं जिन मंदिरों में जाओ काले ही काले दिखाए जाते हैं। क्यों काले दिखाए जाते हैं? काले इसलिए दिखाए जाते हैं कि उन्होंने जो पुरुषार्थ की टॉप मोस्ट स्टेज प्राप्त की है उसमें वो टॉप के काले हो गए, अति के काले हो गए। अति के बाद ही अंत होता है। अति के काले होने के बावजूद भी हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। जैसे कोई साइकिल से बार बार गिरता है साइकिल सीखने के लिए और बार बार उठ के खड़ा हो जाता है तो हिम्मतहीन होगा तो साइकिल पे चढ़ना ही बंद कर देगा, हिम्मत वाला होगा तो सीख के ही छोड़ेगा। तो ऐसे ही नारायण को काला दिखाया, कृष्ण को काला दिखाया, राम को काला दिखाया, काले ही काले दिखाए हुए। बाकी संपूर्ण स्टेज जब बन जाती है फिर कोई यादगार बनने की बात ही नहीं रहती। पुरुषार्थ की पूजा होती है क्या है इसमें? सच्ची गीता खंड में बोला है ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा, इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है? पूछा कुछ भी नहीं। अपनी जाति से ज्यादा प्यार होता है तो अपनी जाति के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार होगा तो अपनी आत्मा के बारे में ज्यादा चिंतन करेगा। कोई को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा प्यार होता है तो कीड़े मकोड़ों की बातें करेगा, पशु पक्षियों से ज्यादा प्यार होता है तो पशु पक्षियों के बारे में सोचता रहेगा। यहाँ किसी ने पूछा है 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो तो मनुष्य आत्माएं हैं, तो जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उनकी आत्माएं मिलाकर टोटल कितनी आत्माएं हैं? अरे पहले अपनी जाति के बारे में तो सोच लो, फिर कीड़े मकोड़ों और जो कीटाणु है एक बूंद खून में कितने कीटाणु होते हैं मलेरिया के? डॉक्टरों को भी गिनना मुश्किल है, तो उनकी गिनती करना जरूरी है क्या? है
नहीं, ये जितने भी पशु पक्षी प्राणी आदि हैं, वो किसके लिए हैं? हैं? मनुष्य के लिए है, मनुष्य प्रधान है। तो मनुष्य पहले अपने बारे में सोच ले, फिर उसके बाद कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के बारे में सोचने की बात आती है। उन कीड़े मकोड़ों के बारे में तो सोचने की बात बाद में, मनुष्यों के अंदर ही कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भरे हुए हैं। कोई मनुष्य ही कीड़े मकोड़ों जैसा पार्ट बजा रहे हैं, कोई मनुष्य ही खूंखार पशुओं जैसा पार्ट बजा रहे हैं, कोई बंदरों जैसा पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहते राम की सेना ले ली, तो अपने बारे में तो पहले सोचना चाहिए या पराई जाति के बारे में सोचना चाहिए? पहले अपने बारे में सोचें।